हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आया हूँ जलजला गुड फार्म पर। यहाँ पर हमारे साथ है इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से इब्राहिम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। माशाल्लाह, एक और धमाका आपकी तरफ से यहाँ पर हो रहा है। एक तो आपका बकरा था जलजला, जिससे काफी सारे लोगों ने फायदा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग आए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा शौकीन हो, बड़ा शौकीन हो, सभी के आपने सपोर्ट किया। और कम से कम कीमत में जो ऐसा आपने बकरा छोड़ा, गुलाबी बकरा था, इंतहाई बड़े कान का बकरा था। अब एक बार फिर से आपके फार्म पर एक न्यू एंट्री हुई है, एक नया बकरा लेके आए हैं। बकरा क्या बच्चा ही है, दूध के दांत पे फिलहाल ये अप्रोक्सीमेटली 11-12 महीने का होगा आई थिंक। फिलहाल ये आप फिर से ब्रीडिंग पर्पस के लिए बकरा लेके आए हैं। काफी सारे लोग आपसे पूछ रहे थे कि बकरा तो चले गया है, फिर से कुछ है बोलिए, बताइए बोलिए, तो उस तालुक से क्या कहना चाहेंगे आप? उस तालुक से मैं अच्छी चीज देख रहा था जी, अच्छी चीज है तो लेंगे। मेरे हिसाब का बकरा नहीं दिखा था। अभी दूध के दांत पे 20 इंच लंबा ने, 8 इंच चगला ने, बादल का बेटा है। इसका बाप एक कलर व्हाइट है जी। अब जैसा कि मैं जलजला रख के हर किसी को छोड़ रहा था बकरियां जी, अभी मेरा न्यू सेटअप ब्रीडिंग का चालू हो गया जी। और कोई भी भाई के बकरियां रहेंगे, रख के भरेंगे। रख के भराने का मतलब ये नहीं कि बकरी ईड में नहीं है, 10 दिन रखो, 20 दिन रखो, वैसा नहीं। बकरी अगर थोड़ी बहुत में भी ईड में रहे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंशाल्लाह ताला रख के भरेंगे। अब फिर से मेरा सेटअप चालू हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हीट पे बकरी आ चुकी है तो डायरेक्टली लाकर भी क्रॉस करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई साइलेंट हीट पे है, 1-2 दिन बाकी है, सिम्टम्स जो दिखाती है हीट के, उस तरीके की भी अगर कोई बकरी रहेगी तो आपके पास लाकर छोड़ सकते हैं। आप 2 से 3 दिन 4 दिन रख कर उसे क्रॉस करवा कर वीडियो के साथ सामने वालों को हैंड ओवर करेंगे बकरी इंशाल्लाह। तालुक से जो भी रहेगा वो आप पर्सनल में बात कर लेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी सहूलत है। काफ़ी लोग हैदराबाद में ऐसे हैं कि बकरा तो छोड़ रहे हैं लेकिन रखने की फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, और आप ये चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा लास्ट टाइम भी जब तक आपके पास जलजला था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट गिरे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी रीजनेबल कंडीशंस थे आपके, जिसके चलते आप बकरा छोड़ते थे, और सेम कंडीशंस इंशाल्लाह इस बकरे के भी होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका नाम जानना चाहूँगा, आपने नाम क्या रखा है इसका? इसके कान अभी दूध के दांत पे 20 इंच रहने से इसका नाम मैं एजाजी रखा, जलजला गोट फार्म एजाजी। जलजला गोट फार्म पर इस बार एजाजी आया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दूध के दांत पे आप बता रहे हैं कि 20-8 कान है अभी से, तो इंशाल्लाह जलजले से बेहतर होगा ये बच्चा। जब तक 4-6 दांत करेगा जाएंगे, 22 भी जाएंगे उसके इंशाल्लाह ताला। अभी दूध के दांत पे 20 इंच बोले तो फिर जवानी तक कितने आएंगे पूरे? नहीं, 22 प्लस इंशाल्लाह जाएंगे। काफी नायाब बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बादल का बेटा है बोल के बता रहे हैं, और बादल अनवर भाई के पास बोरा मंडी में है। उस बकरे का डायरेक्ट बेटा आ रहा है, मीन्स व्हाइट की लाइन में से ही है, अच्छी लाइन का बकरा है। साथ ही साथ इंशाल्लाह यहाँ से क्रॉसिंग जो शुरू होगी तो काफी लोग आपके पास आके जलजला गोट फार्म से फायदा उठा सकते हैं। एक बार आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। 9392816884। लोकेशन कहाँ पे आपका? ये 240 अत्तापुर पिले नंबर, अत्तापुर के करीब पिले नंबर 240 के पास आपका फार्म आ रहा है। वहाँ पर आकर कोई कांटेक्ट करते हैं आपसे तो आप एग्जैक्ट लोकेशन जो भी है बता देंगे इंशाल्लाह। तो एक बार फिर से लोगों को ये बताना है कि जलजला गोट फार्म पर न्यू ब्रीडर की एंट्री हुई है, ब्रीडिंग सेटअप फिर से स्टार्ट हो चुका है। आप में से किसी भाई के पास बकरी हीट पर आती है या साइलेंट हीट पर भी है, आप बराबर यहाँ पर जलजला गोट फार्म पर अपनी बकरी लाकर क्रॉस करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।